ये बच्चों, ये आपका लेसन है 14 ताल डिलाइट, और इसका ये पार्ट सेकंड है। सेकंड पार्ट में आप देखिए इस लेसन को। सादिक वाज एट वर्क अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग हेल्पिंग फादर। तो सादिक काम पर था अपने पिता के साथ। अगली सुबह क्लीनिंग द तलता, साफ कर रहा, मेकिंग घी, घी बना रहा था, ग्राइंडिंग टर्मरिक, हल्दी को पीस रहा था, पीलिंग एंड चॉपिंग ऑनियंस एंड जिंजर, अदरक और प्याज को कस रहा था। देन ही वाज कादिर कुक द दाल। देन तब ही वाज, उसने देखा कादिर कुक द दाल, कादिर दाल बना रहे थे। द स्मेल वाज माउथ वाटरिंग, और उसकी स्मेल ऐसी थी कि मुंह में पानी आ रहा था। विद द दाल, दाल के साथ कादिर मेड ए डिलाइट कोकुम्बर रायता। उन्होंने खीरे का रायता भी बनाया, मिंग चटनी एंड ए डिश ऑफ कॉलीफ्लावर एंड पोटैटोज, और कॉलीफ्लावर की भी उसने डिश बनाई, चटनी भी बनाई। वंस द नवाब सेट डाउन टू ईट द वुड सर्व फ्रेशली बेक्ड हॉट तंदूरी रोटी, एंड फॉर डेजर्ट देयर वर बाउल्स ऑफ फिरीनी। तो बस एक बार अगर नवाब बैठ जाएं और ये सब तंदूरी रोटी वगैरह खा लें, ठीक है, तो सादिक हेड स्नीक्ड ए क्विक टेस्ट ऑफ द दाल व्हेन हिज फादर वाज नॉट लुकिंग। सादिक ने दाल का टेस्ट देखा जब उसके पिता नहीं देख रहे थे। इट टेस्टेड हेवनली, स्वर्ग जैसा था, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था उसमें। इट वाज दो सीक्रेट स्पाइसेस दैट दाल ऑल द डिफरेंस। ये अन्य दालों से अलग थी, केवल ये मसालों का ही खेल था। द टाइम वाज राइट, सही टाइम आ गया। द दाल इन द पॉट बबल्ड सॉफ्टली ऑन द स्टोव। स्टोव पर दाल बबल देने लगी, उबलने लगी। द डथ वाज रेडी टू बी स्लैप्ड इन टू रोटीज। द रायता कूलिंग इन एन अर्थिन बॉवल। तो एक अर्थिन बॉवल में रायता कूलिंग हो रहा था। कादिर टर्न टू हिज सन, कादिर अपने बेटे के साथ मुड़ा एंड सेड, बोला गो कॉल द नवाब, जाइए नवाब को बुला के लाइए। सन आई एम रेडी टू सर्व, मैं उनको भोजन परोसने के लिए तैयार हूँ। सादिक रेन, सादिक दौड़ा ऑल द वे टू द नवाब्स हाउस, सारे रास्ते नवाब को बुलाने के लिए। एट द डोर ही पेंटेड टू द सर्वेंट, उसने सर्वेंट को कहा आई हैव कम टू कॉल द नवाब साहब टू लंच, मैं नवाब साहब को लंच के लिए बुलाने आया हूँ। द दाल इज रेडी, दाल रेडी है। आह अरे यस, नवाब साहब टोल्ड मी ऑफ दैट, हाँ नवाब साहब ने मुझे बताया था। गो अप टू द रूफ, छत पर जाइए, ही इज़ फ्लाइंग काइट्स देयर, वे पतंग उड़ा रहे हैं। सादिक पफ्ड अप टू द स्टेयर्स टू द रूफ, वैसे हाँपता हुआ वो सीढ़ियों से छत पर गया था। नवाब एंड हिज फ्रेंड्स वर बिजी विद काइट्स, वे और उनके साथ ही पतंग उड़ाने में बिजी थे, एंड रोल्ड ऑफ काइट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को रोल कर रहे थे। सादिक वेंट अप टू द हसन अली, सादिक हसन अली के पास गया, एंड साद एपोलॉजिटिकली उनसे दयापूर्वक विनम्रपूर्वक उनसे कहा सर द दाल इज रेडी, सर दाल रेडी है, माई फादर इज कॉलिंग यू, मेरे फादर आपको बुला रहे हैं। हसन अली लुक्ड डाउन एट सादिक एंड सैड, हसन अली ने सादिक की तरफ देखा और बोले हो कौन, एंड देन सीम्ड टू रिमेम्बर, आह यस दादा, और तब उनको देख करके बोले, जब उनको शक्ल दिख गई उन्हें दुकान वाले की, शादिक की, अरे अच्छा दाल। वन ऑफ हिज फ्रेंड लाफ्ड, एक फ्रेंड उनका हंसने लगा, फॉरगेट द दाल, दाल भूल गए, लुक देखो योर काइट इज इन डेंजर, आपकी पतंग खतरे में है। दैट ग्रीन वन इज अबाउट टू कट इट, और जो हरी है पतंग वो तुम्हारी पतंग को काटने के चक्कर में है। हसन अली हरीडली पुल्ड हिज काइट अवे यलिंग, तो हसन अली ने अपनी पतंग को नीचे खींचा। जस्ट यू वेट, थोड़ा इंतज़ार करो, ग्रीन डेविल, जो ग्रीन डेविल है, आई विल गेट यू, मैं तुम्हें दूंगा। वाह।
बट परंतु सैडली साधक गेव अप, परंतु साधक ने वह खुदी ऑल हिज ड्रीम्स वर ड्रैफिंग अवे, ड्रैफिंग चांस ऑफ ड्रीम कमिंग ट्रू वर डिक्रीजिंग, तो उनके जो फेड थे कि वह पतंग काट देंगे तो उन्होंने सब भद्दे हो गए चले गए। ही न्यू, उन्होंने जाना व्हाट वुड हैपन, क्या घटित हुआ। ही न्यू, उन्होंने जाना हिज फादर्स टाइम पर, अपने पिता के टाइम पर वो सादिक कुड फॉरगेट अबाउट द रिवार्ड, सादिक रिवार्ड के बारे में भूल गया। ही फेल लाइक क्राइंग, वह फेल लाइक क्राइंग, चिल्लाने की तरह वो फेल हुआ। स्लोली सादिक वॉकड होम, धीरे धीरे सादिक घर पर आया। ही लुकड अप टू सी द नवाब्स काइट फ्लाइंग जस्ट ओवर हेड, तो ही लुकड, उसने देखा अप टू सी द नवाब्स काइट, के नवाब जो पतंग उड़ा रहे थे जस्ट उसके सिर पर। देन ही नोटिस, नोटिस किया दैट हिज फ्रेंड अमन, उसका फ्रेंड अमन वाज फ्लाइंग ए काइट, एक पतंग उड़ा रहा था फ्रॉम हिज रूट टॉप एक्रॉस द लेन, उस लेन की मतलब सबसे टॉप पर। सादिक गॉट एन आइडिया, सादिक को आइडिया आया। ही वेंट अप टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ गया। सून सादिक वाज रेसिंग बैक टू द नवाब्स गिव ए क्विक पुल एंड, और सादिक ने बहुत तेज़ दौड़ लगाई। जब तक नवाब पतंग खींच चुके होते थे, ओह नो, अरे नहीं। हसन अली ग्राउंड इन डिसमे एज हिज काइट स्वेप्ट एंड फ्लटर्ड टू द ग्राउंड, पतंग जमीन पाई। योर ऑनर, आपके सम्मान में, सादिक एंड क्विकली, सादिक ने जल्दी से कहा द फूड इज वेटिंग, खाना आपका वेट कर रहा है। द दाल इज डिलीशियस, दाल डिलीशियस है। ओह यस यस, हाँ हाँ, द नवाब सडनली सीम टू रिमेंबर, नवाब को वो याद रहा। नाउ द काइट्स गोन, अब पतंग चली गई थी। लेट अस ईट, हमें खाना चाहिए। द नवाब एंड हिज फ्रेंड वॉकड विद सादिक, नवाब और उसके फ्रेंड सादिक के साथ आए। नियरिंग द शॉप, शॉप के पास सादिक रेस्ड ए हीट, सादिक पहले आ गया भाग करके। हिज हर्ट थम्पिंग नर्वियसली, ओह गॉड, उसका हृदय धक धक करने लगा था जोर जोर से। ही प्रेड डोंट लेट माई फादर लोस हिज टेम्पर, मेरे पिता अपना टेम्पर न खो दें, प्लीज़ डोंट लेट इट बी टू लेट, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। ही येल्ड, वह चिल्लाया या चीखा, इज़ एवरीथिंग रेडी, क्या सब कुछ तैयार है। ऑफ कोर्स, वास्तव में मटर्ड कादर, कादर ने बुध बताया। व्हाट टू यू सो लॉन्ग, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। द नवाब एंड हिज फ्रेंड एंटर द शॉप, नवाब और उसके फ्रेंड शॉप में एंटर होते हैं। ए वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कपड़ों में, वाज लेड आउट इन द बेस्ट रूम विद द फूड इन द बेस्ट बाउल्स ऑन इट, उनके लिए बहुत अच्छा कमरा दिया गया था, बहुत अच्छा बाउल दिया गया था खाने के लिए। एज दे सेट डाउन ऑन द कारपेट, जैसे कारपेट बैठे, कॉ देर केम विद, केम इन विद द दाल, दाल के साथ आया। एंड सादिक फॉलोड विद पाइपिंग हॉट रोटीज एंड ड्राइंग विद बटर, और वो गर्म गर्म रोटियों और उस पर जो बटर लगा हुआ था उसके साथ लेके आया रोटियों को। नवाब हसन अली ब्रोक ए पीस ऑफ रोटी, उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा। एज सादिक वाज्ड ब्रीथलेसली, सादिक ने सांस रोककर उसे देखा। ड्रिप्ड इट इन, उन्होंने दाल में से दबाया। पुट इट इन हिज माउथ, अपने मुंह में रखा। च्यूड स्लोली एंड देन हिज आइज क्लोज्ड, उन्होंने अपने मुंह में रखा और अपनी आंखों को बंद किया। आह अरे, ही सेड लाउडर, कादर मेन दिस सादी दाल उरत इज ऑफ द हेवेंस, ये तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही जायकेदार है। आई हैव नेवर टेस्टेड सच दाल बिफोर इवन रोटी चिकेंस, तो मैंने ऐसी दाल नहीं खाई। सच दाल बिफोर इवन रोटी चिकन, रोटी चिकन से पहले ऐसी दाल नहीं खाई मैंने, जैसे रोटी चिकन तो मैंने खाई है बट ऐसी दाल और रोटी नहीं खाई। पेल्स बिफोर दिस इज नथिंग कंपेयर टू, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है दाल और तुम्हारी रोटी का। यू डिज़र्व रिवार्ड, हसन अली काउंटेड, हसन अली ने काउंट किया। यू डिज़र्व रिवार्ड, व्हाट वुड यू लाइक, तुम क्या चाहते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे मैम मोहम्मद कादर स्माइल्ड, पहले दिन मोहम्मद कादर स्माइल किया उन्होंने। आई वुड लाइक टू बी बेटर फूड शॉप, मैं बहुत अच्छी दुकान चाहता हूँ खाने फूड शॉप। योर ऑनर, आपके सम्मान में, इन ए बिग मार्केट, एक बड़े मार्केट में, नियर द
इमामबाड़ा के पास में भी, अगर हो सके तो मैं इमामबाड़ा के पास दे दीजिए। डन, उन्होंने कहा ठीक है ओके। सैड हसन अली, हसन अली बोले डिपिंग इनटू द वेजिटेबल, वेजिटेबल में रोटी को डिपिंग करते हुए ही कॉल्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट, उन्होंने अपने एक सर्वेंट बुलाया एंड वेव्ड एट कादर, और कादर की तरफ हाथ हिलाया। द सर्वेंट बाउ वोब्ड लो एंड पुट ए बैग फुल ऑफ मनी इन कादर्स हैंड। सर्वेंट आया, उन्होंने कादर के हाथ में एक रुपयों से भरा हुआ थैला पकड़ा दिया। इट शुड बी एनफ, ये पर्याप्त होंगे, पर्याप्त होने चाहिए आपके लिए। इफ़ यू नॉट आस्क फॉर मोर, या तुम और नहीं मांगते हो तो। नाउ गिव मी सम मोर ऑफ योर शाही दाल एंड ए रोटी, कुछ शाही दाल रोटी मुझे दे दीजिए यार। सैड नवाब हसन अली, नवाब हसन अली ने कहा। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर हो गया, ये आपके इसके दो पार्ट बन गए चैप्टर के, इनको आप याद कीजिए। मैं हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ओके।